मंदिर, मस्जिद और विद्यालय में चोरी करने वाले चोर, कबाड़ी दुकानदार और स्वर्णकार को किया गया गिरफ्तार, माल भी हुआ बरामद। सिमरी थाना क्षेत्र के बलिहार गांव के दुर्गा मंदिर में बीती रात चोरी की घटना सामने आई, जिसमें मंदिर के घंटे के साथ साथ देवी प्रतिमा और सोने चांदी के लगभग 3 लाख रुपए मूल्य के आभूषण चोरी कर लिए गए। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया, क्योंकि इसी गांव में बीते कुछ दिनों से चोरियों की वारदात बढ़ गई थी। मंदिर, मस्जिद और स्कूल में चोरियां हुई थी। ऐसे में अब ग्रामीण पुलिस की सक्रियता पर सवाल उठा रहे थे। डुमराव SDPO आफाक अख्तर अंसारी के निर्देश पर बनाई गई स्पेशल टीम ने 8 घंटे के अंदर ही मामले का उद्भेदन किया और इस मामले में चोर के साथ साथ स्वर्णाभूषण दुकानदार एवं एक कबाड़ी दुकानदार को भी गिरफ्तार कर लिया। संज्ञान में आया था कि दुर्गा मंदिर बलिहार में देवी जी का ये मुकुट और हार और सोने का मंगटीका, ये सब चीज़ों की चोरी की सूचना मिली थी। हम लोगों ने त्वरित एक कार्रवाई करते हुए जो SHO हैं इनके नेतृत्व में एक टीम बनाई गई कि आप विद इन 8 आवर में आप इसको इन्वेस्टिगेट करिए और अरेस्टिंग करिए। तो उसका परिणाम भी प्राप्त हुआ, जिसमें पिछले कांड में भी जो एक चोरी का कांड दर्ज किया गया था 27/24, जो कि स्कूल कन्या मध्य विद्यालय बलिहार में कुछ सामानों की चोरी हुई थी, पंखा, लाउड स्पीकर, ये सब, तो वो सब भी बरामद हुआ है। इसमें जो सोने के मुकुट वगैरह खरीदने वाले जो चोर थे, ये मतलब दुकानदार, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। एक चोर को अरेस्ट किया गया है और घंटा मंदिर का जहां बेचा गया था उस कबाड़ी वाले को भी गिरफ्तार किया गया। कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार व्यक्तियों में सूरज भान सिंह उर्फ सूरज कुमार, पिता संजय सिंह, बलिहार सिमरी, जो मुख्य रूप से यह जो है गांव में अलग अलग प्रकार की चोरियां करता था, अभी तक संज्ञान में नहीं आया था, लेकिन मंदिर में चोरी होने के कारण और अन्य स्कूल में और अन्य सार्वजनिक जगहों पर चोरी इसने किया था। इसको गंभीरता से लेते हुए हम लोगों ने छानबीन किया तो सामान भी बरामद हुआ और ये गिरफ्तार किया गया है। यह मस्जिद में भी चोरी किया है क्या? हाँ, सुनने में आया है कि मस्जिद में भी यह चोरी किया था, तो उसमें भी सामान बरामद हुआ है। स्वर्ण व्यापारी संजय वर्मा सिमरी के रहने वाले हैं, इनका भी संलिप्तता पाया गया है। ये सोने के आइटम और जो मुकुट जो चोरी का किया गया था बलिहार से, उसको ये खरीदे थे। और एक कबाड़ी वाले हैं सुनील शाह, जो गोलंबर जो है बक्सर में विश्वजीत हॉस्पिटल के सामने रहते हैं, नगर थाना में इनका घर है, उनके पास से 2 घंटा मंदिर का, जिसका वजन 4 kg के आसपास है, वो बरामद किया गया है। उन लोगों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की। यह व्यक्ति पूरा सूट बूट में आया और कहा कि यह मेरे घर का है और झूठ बोल के बेचने का प्रयास किया, लेकिन हम लोग जांच में पाया है कि कबाड़ी वाले सुनील शाह, स्वर्ण व्यापारी संजय वर्मा, इनकी आदतन आदत है कि चोरी का सामान ये खरीदते हैं, अतः इन्हें भी गिरफ्तार किया गया, इनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कुल सामान जो बरामद हुआ है उसका विवरण देते हैं। उषा कंपनी का 4 पंखा है, आहूजा कंपनी का लाउड स्पीकर एम्पलीफायर मशीन 1 है, चांदी का मुकुट 28 ग्राम का 1 है, मंगटीका सोने का 1 ग्राम का 1 है, लॉकेट सोने का 1 ग्राम का 1 है, हार है 1 रेडीमेड 1 पीस है और 2 घंटी बड़ा सा पीतल का 2 है। इतना सामान बरामद किया गया है। 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है, विधिवत कार्रवाई की जा रही है, कल माननीय न्यायालय के समक्ष प्रोड्यूस किया। ठीक है सर, धन्यवाद। बक्सर से चंद्रकांत निराला।